आजा बेटा, क्यों नहीं पढ़ता बेटा, आजा इधर आजा, है समझ नहीं आता, करते हैं होते नहीं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब दो तरह के बच्चे होते हैं बेटा, एक होते हैं गॉड गिफ्टेड दिमाग है, एक होते हैं उनका लक खराब होता है, उनमें दिमाग कम होता है। जिसमें दिमाग कम है बिल्कुल ही भैया क्या करें, कितनी कोशिश कर लें आता नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन अगर दिमाग बाकी चीज़ों में है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, इन सब में तो दिमाग है, बातें करना, दोस्त बनाना, लेकिन पढ़ने में दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब तो गड़बड़ है, या तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, उसको अकल नहीं है, अलग तरह से बैठता है, मुंह से लार गिर रही है, ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो ठीक है भाई भगवान ने उसको ऐसा जीवन दिया, ये तो मुझे फिट लग रहा है लड़का, या थोड़ी गड़बड़ का लग रहा है, बॉडी का क्या देखना, वैसे ठीक नहीं लग रहा, नॉर्मल लग रहा है ना ये, इसके तो मुँह से लार वार भी नहीं गिर रही, सही लड़का है ये। अगर ये खाता पीता भी ठीक होगा, इसके दोस्त भी होंगे क्लास में एक दो, है ना, हाँ हाँ ठीक है। दोस्त होने का मतलब आप बातें भी करते हो, तो बेटा पढ़ता क्यों नहीं फिर तू, पढ़ता है नहीं, मैं नहीं मान सकती, तू इसका दोस्त कैसे, तू फर्स्ट पे बैठा है लास्ट पे बैठा है बेटा, फिर कैसे दोस्त हो, हाँ नहीं, अगर तेरा दोस्त होता तो अपने साथ इसको रखता कि तू पढ़ यार तू पढ़, फिर बेटा तू क्यों नहीं समझता है, ये हड्डी निकली पड़ी है, देख पीछे कैसे हड्डी निकली पड़े, थप्पड़ी मारो तो चुभ जाएगी ऐसी हड्डी। पिताजी क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। बेटा तुझे क्या लगता है पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है या थोड़ा पैसा है, थोड़ा पैसा है ना, अब वो 10 साल बाद तो बुढ़े हो जाएंगे, कितनी एज हो गई इनकी, 42 के आसपास है, 42 के बाद 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, पैरों में दर्द रहेगा, गाड़ी कितने दिन चलाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, जब वो बुढ़े हो जाएंगे तो तू क्या करेगा बेटा, तू तो पढ़ता नहीं, तेरी एज कितनी है, 14, 10 साल बाद तू कितने का होगा, 24 का, 24 का तो लड़का पूरा बड़ा हो जाता है, 24 के लड़के का तो सुख मिलना चाहिए, कमा के लाए, पिताजी को कहे आप मत चलाओ गाड़ी मैं कमाऊंगा, फिर बेटा तू जिस रास्ते पे ऐसे तो पिताजी को जिंदगी भर गाड़ी चलानी पड़ेगी, बुढ़े हो जाएंगे हाथ पैर कांपेंगे गाड़ी चलानी पड़ेगी, भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई दिक्कत हो गई तो बेटा कौन जिम्मेदार, पढ़ता क्यों नहीं तू, एक चीज़ को 5 बार पढ़, उठ मत पढ़ने से, दिन रात पढ़ कैसे नहीं आएगी बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई ना आए, पढ़ाई नहीं आती जो पागल भाई कोई बेचारे का दिमाग नहीं है, भगवान ने उसको आईक्यू कम दिया, नहीं आएगी, तू देख हर चीज़ समझता है, तुझे अपने पिताजी की उम्र याद है, अपनी उम्र याद है, तू दोस्त बनाता है, तेरे अंदर दिमाग है बेटा, तू कोई भगवान ने तुझे पागल नहीं पैदा किया हुआ, तू जानबूझ के नहीं पढ़ता, या तुझे समझ में कम आता है, समझ में आता है, रीडिंग करनी आती है, लर्निंग में दिक्कत है, एक चीज़ को 20 बार पढ़, लर्निंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है बेटा, तेरे नंबर अगर कमाए तो पिताजी को बुलाना पड़ेगा, डेली पढ़, डेली पढ़, इज्जत के साथ अपने पिताजी का बुढ़ापा कटवाना है बेटा, अब तू ऐसे करेगा तो आगे उन बेचारों के पास तो कुछ है भी नहीं, चल जा बैठ बार बार पढ़ा कर, हाँ बेटा आ जा, क्लास का सबसे सुंदर लड़का होता था तू जब तूने एडमिशन लिया था, आ जा, अब तेरी शक्ल सूरत बॉडी लैंग्वेज सब बदल गई, क्यों है बेटा, पहले से नीचे गिर गया तू, तू ऊपर नहीं बढ़ा, जब तू गांव में आया था हमारे पास 7th में था ना, 8th में था, अच्छा पिछले साल आया था, तब बेटा तू अच्छा दिखता था, तेरी पर्सनालिटी, अब तू लंबा तो हो गया तगड़ा भी हो गया, लेकिन पर्सनालिटी ओवरऑल होती है बेटा, जिसमें पढ़ाई भी एक पार्ट होता है, क्यों नहीं पढ़ता, रिविजन नहीं करता, क्यों नहीं करता, घर जाके क्या करता है, फ़ोन रखता है, फ़ोन नहीं है तेरे पास, कहीं फ़ोन मिले, फोन, ये फोन रखता है कि नहीं रखता, ये इंस्टाग्राम पे होगा, इंस्टाग्राम पे तो होगा ही, ये क्यों नहीं है, है नहीं रखता, फिर बेटा घर जाके क्या करता है, रिवीजन थोड़ी होती है, क्यों कितने बजे घर पहुंचता है, 3:30, फिर क्या करता है 3:30 पे जाके, बता अपना रूटीन, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करने से तुझे क्या लगता है 10 साल बाद गाड़ी अपने आप आ जाएगी घर में, बड़ा घर बन जाएगा अपने आप, अलादीन का चिराग होता है घर में कि वो ऐसे घिसा और एकदम से गाड़ी और घर और बंगले बन गए, या कमाने पड़ते हैं बेटा, कमाने पड़ते हैं ना, फिर तू कमाने के रास्ते पे है, ऐसे पैसा आ जाएगा जो तू कर रहा है, फिर कैसे आएगा बेटा पैसा, सारे रिश्ते पैसों पे टिके हैं ये बात पता है, नहीं पता तू जान ले, तेरे जितने रिश्ते हैं ना ये सब पैसों पे हैं बेटा, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, अब तू पढ़ेगा नहीं ना, 10 साल बाद कोई पढ़ाएगा नहीं,
घर जाके पढ़ा कर, जिस भी तरफ तेरा दिमाग दौड़ता है अपने दिमाग को समझा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना। देखो कल को ये तुम्हें कहीं मिले और ये मजदूरी करता हो तो तुम लोग इस पे हंसोगे कि ये हमारी क्लास में था, मजदूरी कर, रिक्शा चला रहा है। कल को ये तुम्हें मिले और इसके पास बड़ी गाड़ी हो और बढ़िया घर हो और इसके एक पर्सनैलिटी हो, तो तुम गो यार ये तो हमारे साथ पढ़ता था। ये ना बेटा रवैया बदल जाता है। अगर ये मेहनत कर लेगा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर इसने पढ़ाई नहीं की तो ये सब यहीं धरा रह जाएगा और ये कहीं काम नहीं आनी। बेटा शक्ल शक्ल तो बिल्कुल, पता है बेटा जो गरीब है ना वो सुंदर नहीं हो सकता कभी। गरीब आदमी ज्यादा दिन तक सुंदर नहीं रहेगा। सुंदरता बेटा चेहरे की ना कुछ दिन में खो जाती है, सुंदरता होती है आपकी सोल की, आपकी पर्सनालिटी की। आपका रंग बेशक कैसा ही है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं IAS हूँ, तो चाहे आप काले हैं, भद्दे हैं, दांत बाहर रखे हैं, लोग आप जब आएंगे ना तो लोग एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे। और आप देखने में बड़े हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन कोई पूछे क्या करते हो, मजदूरी, तो उसका रवैया चल यहाँ से उधर बैठ, ऐसे भगा देगा। ये रवैया है बेटा। अपनी इज्जत करानी है ना तो ऊंचाई तक जाना है, नहीं तो फिर किसी काम नहीं आनी बेटा। ना हाइट, ना हेल्थ, ना रंग, ना रूप, ना कहीं पे तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी मैटर करती। अपनी काबिलियत बढ़ा लो तब तुम अच्छे हो। और लड़कों के पास बेटा ऑप्शन नहीं है इंडियन सोसाइटी में। अगर तू नहीं कमाएगा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। पिताजी क्या करते हैं तेरे, प्रॉपर्टी डीलर है बेटा। वो सिर्फ उतना ही कमाएंगे जितने में उनकी गुजर बसर बढ़िया हो। मम्मी है तेरी, हाँ, तो तेरे माँ बाप जो है ना बेटा, चाहे कितने ही अमीर हो, कौन सी गाड़ी है तेरे घर, ली नहीं है गाड़ी, अब नहीं है, कहाँ गई गाड़ी, बेच दी, क्यों, अच्छा उसके बाद दूसरी गाड़ी नहीं ली, लेगा। हाँ अब तुम लोग एक बात सोचो, इसके पिताजी मेहनत करते हैं, उन्होंने गाड़ी ली, वो डीजल वीजल वाली रही होंगी, बैन हो गई, अब जो है नई गाड़ी लेंगे। इसके पिताजी बेटा इस उम्र में भी कमा रहे हैं। इसके पिताजी कम से कम 45 के आसपास के होंगे, तेरे पापा 53 के हैं। इसके पापा बेटा 7 साल बाद रिटायरमेंट की एज में आ जाएंगे, वो अब गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि वो मेहनत कर गए अपने टाइम पर। इसकी तो भी उम्र आएगी ना, पापा की बनाई हुई गाड़ी इसकी पीढ़ी तक चल जाएगी क्या? एक गाड़ी कितने साल में खराब होने लगती है, 15 साल बाद तो आप चला ही नहीं सकते, 10 साल बाद वो खराब, खटर पटर, उसमें पैसे लगने लगते हैं। तो जो इसके पापा ने गाड़ी अब लेनी है ना कल परसों में, वो इसके काम नहीं आनी, वो तो उनके काम आनी है। ये गाड़ी तब ले पाएगा जब ये थोड़ा पढ़ा लिखा और थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा दिमागी तौर पर, नहीं तो रह जाएगा। पढ़ा कर बेटा, अब तेरी PTM में पापा आएंगे ना, मम्मी, मैं खुद आऊँगी PTM में मिलने, और जिसकी शिकायत आई फिर उसका आगे हम अगले साल डिसीजन, फिर हमें कुछ और लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती बेटा तेरा भविष्य खराब हो। अच्छी हाइट, अच्छा स्मार्ट लड़का, पढ़ लिख के आगे निकल जा, तेरे लिए दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी हैं करने के लिए, क्यों पीछे रहता है? और ऐसे क्यों बेइज्जत हो रहा है तू? ये बेइज्जती है बेटा, क्यों बेइज्जत हो रहा है, किस कारण से? क्या बुद्धि नहीं है तेरे अंदर? शरीर तेरा फिट है, बुद्धि तेरे अंदर, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? आगे पढ़ लिख के आ, तू यहाँ खड़ा हो, हम ताली बजवाएं कि देखो भाई इसने इंप्रूवमेंट किया, तो बात है, नहीं तो क्या फायदा बेटा लाइफ का? हम में और जानवर में क्या अंतर है? जानवर में अकल नहीं है, 2 डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा, फिर डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा। हम इंसान हैं, हमारे ऊपर ना बात लगनी चाहिए। किसी ने एक बात बोल दी, बस मन पे लग जाए कि यार मेरी बेइज्जती कैसे हो गई क्लास में, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं बदल के दिखाऊंगा हर चीज़ को। दुनिया बदलती है बेटा, ठीक है? PTM के बाद मैं तेरे पिताजी से पर्सनल मिलूंगी, फिर मुझे ये ना कहना पड़े कि रास्ते गलत पे है, ठीक है? पढ़ लिख के अच्छे नंबर ले आप, चल।